आगरा में कोविड 19 वेरिएंट BF7 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सर्किल बनाए गए हैं। 6 फीट की दूरी मेंटेन करने के लिए मरीज व तीमारदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। आगरा के जिला अस्पताल में कोविड 19 वार्ड का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। वहीं कोविड 19 वार्ड को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 की सबसे खतरनाक बात ये भी है कि ये उन लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। गुजरात और उड़ीसा में BF7 के मरीज मिलने से पूरे भारत में अलर्ट कर दिया गया है। वहीं आगरा भारत का बड़ा पर्यटन स्थल है। देश विदेश से सैलानी यहां आते हैं। यही वजह है कि आगरा के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आगरा में BF7 को लेकर जिला अस्पताल भी अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। यहां आने वाले मरीजों को मास्क लगाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही गोल सर्कल बनाए गए हैं ताकि लोग 6 फीट की दूरी मेंटेन कर सके। वहीं कोविड वार्ड का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। कोविड वार्ड में आने वाले मरीजों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। CMS का कहना है कि कोविड की दवाएं जिला अस्पताल में मौजूद है। हमें एक तो ये कि एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल के लिए हमें जोर दे रहे हैं सर। इसके लिए जहाँ जहाँ मरीज खड़े होते हैं लाइन में लगते हैं वहाँ पे हमने सर के लिए गोले करा दिए हैं। लगभग 6 फुट की दूरी पे होनी चाहिए और मास्क के लिए हमने उन्हें अलर्ट कर दिया, अपने स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। जितने भी ऑपरेशन वगैरह होंगे जो उसके RT-PCR जाँच के उपरांत ही करेंगे हम लोग। सर, कोविड वार्ड का जो वार्ड बनाया गया था उसमें वार्ड का कंबाइंड कर दिया गया था, तो अब जैसे केसेस को लेकर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तो किस तरह से उसका विस्तार किया है, कुछ तब्दीलियाँ की हैं वार्ड में? कोरोना वार्ड जो चल रहा था पीकू वो 20 पलंग का है हमारे यहाँ, वो चल रहा है। बीच में उसे डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था। अब डेंगू का तो सीजन भी चला गया तो इसे दोबारा से पीकू में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसमें सारे पे हमारे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, सारी दवाएँ जो कोरोना में इस्तेमाल होनी है वो भी हैं उधर। जितनी भी फैसिलिटीज होती है ना वो सब हैं उसमें, और हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी काफ़ी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF7 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। आपको बता दें जिला अस्पताल में प्रवेश से पहले मास्क लगाना अति आवश्यक रहेगा। वहीं यहां सर्किल भी बना दिए गए हैं। जो भी मरीज OPD में आते हैं उनको 6 फीट की दूरी का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी रहेगा। वहीं जिला अस्पताल के कोविड वार्ड को भी पहले से ज़्यादा दुरुस्त कर लिया गया है। आपको बता दें BF7 वेरिएंट पिछले वेरिएंटों की अपेक्षा में ज़्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट जब आए तो बताया गया कि 5 से 6 लोगों को एक मरीज संक्रमित कर सकता था, लेकिन BF7 वेरिएंट को प्रभावशाली इसलिए भी माना जा रहा है कि 17 से 18 लोगों को यह वेरिएंट का मरीज संक्रमण फैला सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई तरह से लगातार सचेत किया जा रहा है BF7 वेरिएंट को लेकर। भारत में जब से गुजरात और उड़ीसा के अंदर BF7 के केसेस पाए गए हैं तब से पूरे भारत के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सतर्कता लोग बरत रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब भी आगरा में लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर वह संक्रमित होते हैं तो वह BF7 संक्रमण को 17 से 18 लोगों में फैला सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी और जिला प्रशासन को भी सख्ती करनी होगी ताकि लोग सावधानी बरतें। कैमरामैन भानु के साथ राशिद हुसैन, DG महाराजा न्यूज़, आगरा।